नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में हम आज करेंगे बीते जमाने की बात, यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी की उम्मीद की बात। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने एक बार फिर से इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कांग्रेस में कि प्रियंका गांधी अब अगले चुनाव तक, अगले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक लखनऊ में ही डेरा डालेंगी और यहीं से उत्तर प्रदेश की राजनीति को संचालित करेंगी और एक तरह से कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश करेंगी। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस के इतिहास को हम देखें तो हाल के वर्षों में लगातार कांग्रेस की स्थिति खराब होती चली गई है। लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा है और सबसे पहले 1965 में कांग्रेस यहाँ से सत्ता से बाहर हुई थी। 1967 में उस समय पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, यानी कि आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जमीनी पकड़ थी। 1977 में कांग्रेस दोबारा हारी, यानी कि इमरजेंसी के बाद की स्थितियों में फिर से कांग्रेस को हारना पड़ा और 1985 के बाद 85 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की आखिरी सरकार रही थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं रही, एक दो बार सत्ता को समर्थन देने की हालत में वो रही, लेकिन 2007 के बाद से, 2007 में मायावती स्पष्ट बहुमत से सरकार मायावती ने बनाई, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई अखिलेश यादव की, और उसके बाद बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई। और इन तीनों सरकारों में कांग्रेस की कहीं भी किसी तरह की भूमिका नहीं थी, न सहयोगी की, न समर्थक की और न विपक्ष के तौर पर। कांग्रेस के सदस्यों की संख्या विधानसभा में लगातार कम होती चली गई और पिछली जो 2017 का चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी से तालमेल के बावजूद उनके हिस्से में सिर्फ 7 सीटें आई, वो दहाई के आंकड़े में भी नहीं पहुंच सकी। ये कांग्रेस की जमीनी स्थिति है। हर बार जो वोट प्रतिशत की बात करें तो 2007 में विधानसभा में कांग्रेस का 8.96% वोट था और 2017 में वो 6.25% रह गया। इसी तरह से लोकसभा में 2007 में 12.404% था और वो 2017 में 6.26% रह गया, यानी कि 6% के आसपास कांग्रेस का लोकसभा और विधानसभा के लिए वोट प्रतिशत समर्थन का जो है उनके पक्ष में रहा है। और अगर हम उपचुनाव की बात करें तो 2017-2018 के उपचुनाव में कांग्रेस कहीं भी अपनी पकड़ बनाती नहीं दिखाई दी, कहीं भी उसको कोई सफलता नहीं मिली, उसके प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हुई और कांग्रेस की जो छवि है, जो वोट बैंक है, उसको भी इससे एक तरह का आघात लगा। बार बार कभी राहुल गांधी ने कहा कि वो कांग्रेस का रिवाइवल कराएंगे, वो उत्तर प्रदेश से अब कांग्रेस को पुनर्जीवित करेंगे और पूरा वक्त कांग्रेस को देंगे, लेकिन उनकी 2 या 3 बार कही गई ये बात सिर्फ एक सपना रही। और उसके बाद अब पिछले लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाया गया तो ये तब भी दावा किया गया था कि अब वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को संचालित करेंगी। कुछ उन्होंने कोशिशें की भी, लेकिन लोकसभा में उनका करिश्मा अमेठी और रायबरेली में भी नहीं चल पाया और जो अमेठी की सीट है वो कांग्रेस को गंवानी पड़ी। तो ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीनी हालत है, लेकिन कांग्रेस फिर से उम्मीद कर रही है कि उत्तर प्रदेश में अपना पुनर्गठन करेगी, अपना पुनर्जन्म करेगी, उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता में वापसी की उम्मीद करेगी या कम से कम एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अपना राजनीतिक दखल उत्तर प्रदेश में दिखाना चाहेगी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीशान हैदर, जो कांग्रेस में दूसरी पीढ़ी का जो एक तरह से प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं, उनकी दूसरी पीढ़ी है कांग्रेस में और एक निष्ठावान कांग्रेसी की तरह से लोग उनको जानते हैं। मेरे साथ दूसरे इस बातचीत में शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी। बातचीत की शुरुआत मैं सबसे पहले शरद जी आपसे करना चाहता हूँ। अच्छा, जो ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी अब आएंगी और वो पूरा समय उत्तर प्रदेश में देंगी, लखनऊ में उनके आवास की एक व्यवस्था की जा रही है, ये व्यवस्था वैसे जनवरी के आसपास भी इस तरह की चर्चाएं थी लेकिन वो सिर्फ चर्चाएं रही, लेकिन अब एक बार दोबारा ये चर्चा हो रही। आपको कितनी उम्मीद दिखती है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव में किसी तरह का कोई अपना राजनीतिक दखल रख पाएगी, किसी तरह से कहीं भी जमीन में चुनौती देती हुई दिखाई देगी? गोविंद, मुझे तो ये कहानी जो कांग्रेस के बारे में आपने बयान करी, ये काफ़ी दिनों से चल रही है और ये बिल्कुल एक मजाक लगने लगा है। दरअसल कांग्रेस की जो स्थिति है,
वैसी है जैसी कोरोना काल में प्रदेश की थी। कोरोना तो खत्म हो गया, फिलहाल सेकेंड वेव खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस से लगता है कोरोना जो है अभी भी नहीं गया है। वहां अभी भी बड़ी सख्त जरूरत है ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, और उसे किसी प्रकार से मिल नहीं पा रहा है। दोनों चीजों की कमी है। अब प्रियंका गांधी कितना वेंटिलेटर बन के आ सकती हैं और जगह फिर से जीवित कर सकती हैं? जीवित करना है, पुनर्जीवित करना कांग्रेस को, ये कहना इसलिए बड़ा मुश्किल लगता है आज की डेट में, क्योंकि ये कहानी कई बार दोहराई गई है, कई बार उम्मीदें दिलाई गई हैं, पार्टी के वर्कर्स को भी दिलाई गई हैं और उन लोगों को भी दिलाई गई हैं जो सोचते हैं कि कांग्रेस का आना, प्रदेश में एक्टिव होना न्याय जरूरी है इस लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए, लेकिन उनको अभी तक नाउम्मीदी ही मिलती रही है। पिछली बार भी जैसा आपने कहा कि प्रियंका गांधी के लिए बहुत कहा गया कि प्रियंका गांधी आने वाली हैं, यहीं कैंप करेंगी, पता लगा जो उनको वह बना दिया गया, महासचिव बना दिया गया कि साहब वो यूपी का, वो एक तरफ माधवराव सिंधिया के साहबजादे देखेंगे और एक तरफ ये देखेंगी, वो भी दोनों जने जो है ऐसे रहे कि उनको कोई मतलब ही नहीं रहा। उसकी अनाउंसमेंट हो गई, पता लगा वो लंदन में थी, 15 रोज बाद वो लंदन से लौटी, आई 3 रोज रही यहाँ, फिर वही सारी अनाउंसमेंट्स हो गई, फिर चली गई, उसके बाद फिर आई, फिर टोटल समय 11 या 12 दिन का उन्होंने दिया। अब आप सोचिए 12 दिन के कैंपेन करके यूपी में कोई बड़े से बड़ा नेता क्या कर डालेगा, कौन सा जादू कर सकता है? प्रियंका गांधी नई नई आ रही है, तो ये जो विपक्ष वाले पॉलिटिकल टूरिज्म कहते हैं ये गलत नहीं है, और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी का इंटेंशन नहीं है करने का, उनको किसी ना किसी कारण ऐसा लगता है कि उनको इजाजत नहीं दी जाती, और इजाजत देने वाला कौन है? उन क्या उन्हीं की माँ जो पार्टी की सर्वे सर्वा है, अब वो क्यों नहीं देना चाहती हैं? अब जीशान इस पे प्रकाश डाल सकते हैं कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन वाकई में बड़ी दयनीय स्थिति लगती है कांग्रेस की। और अगर प्रियंका वाकई में आ रही है, आवास आवास कई दफे बात हुई और कईयों ने आवास, ये इन्होंने जीशान हैदर ने भी बड़ी बातें बताई थी कि आवास का इंतजाम ये खुद ही कर रहे थे, फाइनली वो उनका, इनके जो फैमिली है उनका, वो श्रीमती शीला कौल थी, तो क्लोज रिश्तेदार थी पंडित नेहरू की, और उनके उनका बंगला जो है वो हिस्से में उनके दीपा कौल के है, उसमें दे दिया गया, और आज की डेट में वो बाकायदा उनके लिए रिजर्व्ड है। मेरी उस परिवार के लोगों से भी बात हुई है, लेकिन कितनी बार आई हैं? मेरा ख्याल कम से कम आए हुए 7-8 महीने तो, 8-10 महीने तो हो ही गए होंगे, ज्यादा हो गए होंगे। उत्तर प्रदेश में आखिरी बार जो आई थी वो जब हाथरस रेप केस हुआ था, उस कांड वहां तक आई थी। तो इस तरीके से तो पार्टी रिवाइव नहीं होने वाली है, मैंने कहा ना विजिट जो है टूरिस्ट की तरीके से। अब देखें, ये तो अभी हम मानते नहीं इनकी बातों को, क्लेम्स को, कि वो आने वाली हैं और बस यहीं पे कैंप करेंगी। करने लगे कैंप तब यकीन होगा कि वाकई में उनको इजाजत है और वो कर रही हैं, पोटेंशियल है उनमें, इनमें हम मानते हैं, लेकिन बिल्कुल शरद जी, आपने जिस तरह से ये पॉलिटिकल टूरिज्म वाली बात कही और ये बात कही कि वो आना चाहती हैं, उनको इजाज़त नहीं मिल रही। जिशान, क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई बात है, उनको इजाज़त नहीं मिल रही इसलिए वो नहीं आ पा रही, या उनके उत्तर प्रदेश में ना आने की कोई और वजह है? और क्या उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि अगर वो आएंगी तो कांग्रेस में एक पुनर्जन्म कांग्रेस का हो सकता है? ये देखिए गोविंद भाई, दो तीन चीजें हैं। मैं शरद भाई की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि पॉलिटिकल टूरिज्म, पहले तो मैं, आपने जो डेटा बताया था उसके मैं कुछ चीजें उसमें सही करना चाहता हूँ कि 2012 का जब लोक विधानसभा चुनाव हुआ था, आपने उसका डेटा नहीं बताया, उसमें हमारा 3% वोट शेयर बढ़ा था और हम 21 से 29 सीटें विधानसभा की जीत के आए थे, और उसी वक्त जो लोकसभा चुनाव थे 7 से हम 21 सीटें लोकसभा चुनाव भी जीत के आए थे। तो ऐसा नहीं हम बड़े थे, हमें लगता है पिछली बार हमने जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर दिया उसका हमें बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हम 403 सीटों की जगह
सिर्फ 100 सीटों पे लड़ गए, जिसमें 303 सीटों के ऊपर कहीं ना कहीं हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता थे उनको उनको जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पे शिफ्ट होना पड़ा वोट डालने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि पिछले चुनाव में अगर हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन ना करते तो हमें हर कीमत पे हम उससे ज्यादा बढ़ते, तो ऐसा नहीं। हमारा ग्राफ बढ़ रहा था लेकिन वो गठबंधन हमें लगता है बहुत बड़ी चूक थी जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। दूसरी चीज, शरद भाई ने कहा कि पॉलिटिकल टूरिज्म, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रियंका गांधी ही इकलौती नेता थी जिन्होंने हर जगह हर मुद्दा उठाया। सबको पता है अखिलेश यादव एक बार भी 4.5 साल में घर से बाहर नहीं निकले सड़क के ऊपर। प्रियंका गांधी चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे बनारस हो, चाहे मेरठ में सीए एनआरसी वाला हो, चाहे लखनऊ में सीए एनआरसी में जिन लोगों को बंद कर दिया गया था स्कूटर से, तो ऐसा नहीं, सारे मुद्दे प्रियंका गांधी ने लखनऊ यूपी में आके उठाए। ये भी नहीं कि वहां बैठ के उठाए हो, यहाँ पे आके उठाए हैं, हर जगह पहुंची हैं, हर मुद्दा उठाया है उन्होंने। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आपको भी पता है कोरोना शुरू हो गया था पिछले 1 साल से। जिस तरह से बुलंदशहर की घटना के बाद कोरोना जिस तरह से शुरू हुआ था, हमें नहीं लगता है कि अगर वो आते तो उसके ऊपर भी उंगलियां उठती कि देखो कोरोना में जो है वो पॉलिटिकल रैलीज कर रही है, रोड शोज कर रही है। तो हम लोग ऐसा नहीं, संगठन पे लगातार उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और लगातार कार्य जारी है। लेकिन यही है कि फिर वही बात है, मैं कहूंगा कि कितना दिखाए जाते हैं, कितना बताया जाता है, वो एक अलग विषय हो जाएगा। तीसरी चीज, जो शरद भाई ने कहा कि आने की सुन रहे हैं, या आपने कहा कि प्रियंका जी की उत्तर प्रदेश में आमद की बात चल रही है, तो हम लोग तो चाहेंगे कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश में रहें, और उससे हमारा भी मनोमन बढ़ेगा, साथ साथ में कांग्रेस पार्टी भी आगे बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें लगता है कि इन चीजों को भी रखना चाहिए निगाह में कि जो जो चीजें प्रियंका गांधी ने की हैं, और फिर मैं कहूंगा जो मुद्दे उन्होंने उठाए किसी ने नहीं उठाए। आप बसों भेजने से लेके कोरोना के टाइम पे किट भेजने से लेके वेंटिलेटर से लेके ऑक्सीजन से लेके हर चीज प्रियंका गांधी जी ने, जब नहीं आई है कोरोना के समय में उसके बाद भी, मैं कह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, आप बताइए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जो भी और विपक्षी दल है, कौन सी पार्टी ने जाके बुलंदशहर वाली घटना हो रही है तो सबको पता है कि कहाँ पे थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, सबको पता है मायावती जी ट्वीट छोड़ के कुछ नहीं किया उन्होंने। कौन पहुंचा? प्रियंका गांधी जी पहुंचे। जब मल्लाहों को बनारस में जो है उनकी पूरी बस्तियां उजाड़ने की बात चल रही थी, कौन वहां पे पहुंचा? किसने नाव से सफर की बनारस में? प्रियंका गांधी जी ने। और देखिए, वो लोकसभा से मात्र 12 दिन पहले प्रभारी बनी थी उत्तर प्रदेश की, तो उससे अगर आकलन किया जाए तो हमें लगता है वो गलत हुआ। नहीं, बिल्कुल जिशान, आपने जिस तरह से अपना पक्ष रखा, कांग्रेस का पक्ष रखा, उसमें दो बातें तो बिल्कुल साफ हुई कि एक तो जैसे कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उससे लगातार चूक हुई है उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव के सिर्फ 12 दिन पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, ये पहले दे दी गई होती तो आपके हिसाब से कांग्रेस अच्छा कर सकती थी। उत्तर प्रदेश में खाट रैली और तमाम तरह के प्रचार कार्यक्रम के बाद अचानक समझौता समाजवादी पार्टी से कर लिया गया और 100 सीटों के आसपास आप रह गए, और वो समझौता राहुल गांधी ने किया, तो ये भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व पर सवाल है। आलोक, आप क्या देखते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की जो हालत है इस वक्त, उसके लिए कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व कितना जिम्मेदार है और स्थानीय जो टीम है, स्थानीय कार्यकर्ता है, वो कितने जिम्मेदार है? मुझे देखिए गोविंद जी, दो बातें हैं। तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व वगैरह वाली बातें हैं कांग्रेस में करने में थोड़ा ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ मजाक सा कर रहे हैं। वहाँ एक ही नेतृत्व है और वही कहा जाता वो है परिवार। बहुत बदनाम डायलॉग है देवकांत बरुआ का, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। लेकिन अब फैमिली इज पार्टी, पार्टी इज फैमिली, इसमें तो कोई शक शुबा है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तमाम तरह के कहते हैं, G23 एक बन गया जिसने कहा कि अब हम ऐसा ऐसे सवाल उठाए हैं, लेकिन पार्टी के अंदर भी किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ये कह दे कि अच्छा ठीक है तो अब हम सामने खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी वाले ये गिनाते हैं कि एक जितेंद्र प्रसाद जी चुनाव लड़े थे, देखिए क्या हाल हुआ, उनके पुत्र इतने साल बाद अब भारतीय जनता पार्टी में जाके बड़े नेता हो गए। बीजेपी में घुसते ही नेता बड़ा हो जाता है तो आपको पता ही। लेकिन कांग्रेस में क्या है कि बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खाक की। तो प्रियंका गांधी एक तरह से अभी तक पिछले कई वर्षों से बंद मुट्ठी के अंदाज में चल रही हैं। ये चल रहा है कि साहब प्रियंका गांधी सामने आ जाएंगी तो चमत्कार हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि जब प्रियंका गांधी, एक वही बात है कि प्रियंका गांधी को सामने आने से रोक कौन रहा है। तो जो शरद जी कह रहे हैं वो बात मुझे बिल्कुल जायज लगती है, और वो हमारी
सोनिया गांधी पर कितने भी इल्जाम लगे हैं कि वो इटालियन है क्या है, मुझे लगता है वो बिल्कुल भारतीय जनमानस में वो पूरी तरह रच बस गई हैं। इसका उदाहरण है कि वो भी अपने बेटे के आगे बेटी को खड़े पुत्र होते हुए प्रेम पुत्र प्रेम में वो इतनी सराबोर हैं कि तमाम प्रयास करके वो चाहती हैं कि बेटा ही रहे। और बेटा एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। उनके पिता राजीव गांधी भी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन थे, लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में आए उन्होंने जो भी किया, उन्होंने बहुत बहुत गलत फैसले भी किए हैं, लेकिन जितना काम किया किया, ऐसा नहीं किया कि उसके बाद वो प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली और 3 महीने बाद छुट्टी चले गए, कहा कि ठीक है अब 2 महीने बाद लौट के आऊंगा। आप कह सकते हैं कि भाई उनको तो कुर्सी मिल गई थी इसलिए मजबूरी थी उनको वो छुट्टी जाने का, उनके पास सौभाग्य नहीं था। लेकिन ये टूरिज्म वाली बात जो कही जाती है वो यूं ही कही जाती है। जीशान साहब ने बहुत से नाम गिनाए कि ये काम किया। राजनीति मांगती है कंसिस्टेंसी। आपका मुकाबला किससे है? आपका मुकाबला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के एक संगठन से, जिसकी जिसके 150 हाथ हैं, जो जिनमें से कुछ आपको दिखते हैं कुछ दिखते भी नहीं है, और जो लगातार किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं। वो उनमें से कुछ अच्छे काम है, कुछ खतरनाक काम है, जिनके बारे में कहूंगा वो कहेंगे हम पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो लगातार लगे रहते हैं। उनके सारे जो आनुषंगिक संगठन जिन्हें कहा जाता है वो सदा काम पे लगे रहते हैं। इसके बीच में आप अगर एक बढ़िया हाई प्रोफाइल इवेंट करते हैं उसके बाद आप ठंडे पड़ जाते हैं, फिर आप एक हाई प्रोफाइल इवेंट करते हैं, देखने वाले को लगता है कि सीरियसनेस गायब है। और वो सीरियसनेस क्या अब लौट के आ रही है, इसका एक झलक अगर आपको देखनी है तो आप देखें कि अभी 2 दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने अभी पार्टी को शानदार जीत दिलाई है, वो दिल्ली आते हैं और खबर यूं चलती है, अब सच क्या है तो यही जानते होंगे, लेकिन खबर ये चलती है कि कैप्टन साहब को परिवार से मिलने का समय नहीं मिला, उन्हें वापस जाना पड़ा और उन्हें कोई एक लिस्ट दे दी गई है कि ये रिक्वायरमेंट है इनको पूरी करिए। क्यों? क्योंकि कैप्टन के सामने नवजोत सिंह सिद्धू नाम की एक चुनौती खड़ी हो गई है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये क्या भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के असंतुष्ट लोग नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, लेकिन जो कुर्सी पे बैठा है, जिसका जो गाड़ी चल रही है उसको तो चलती को तो गाड़ी कहा जाता है, जो अटकी हुई है उस पर सारे सवाल उठते हैं। और इसीलिए कांग्रेस पर इतने सवाल उठ रहे हैं। प्रियंका गांधी यहाँ आएंगी, जो दीपक कौल के बंगले में रहेंगी, उसके बाद यहाँ राजनीति करेंगी, ये योजना बने कितना वक्त हो गया है? कहाँ है वो योजना जमीन पर आई हुई और कहाँ है वो कंसिस्टेंसी? अगर आप रोज 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 काम करते हुए नहीं दिखेंगे, आप बाकी दुनिया छोड़ दीजिए ना, मैं तो बहुत सालों से देखता हूँ कि प्रियंका गांधी की एक चीज के लिए बहुत कद्र की जाती थी, बहुत नाम था कि वो बहुत शिद्दत से अमेठी और रायबरेली जाती हैं, गांव गांव में लोगों से मिलती हैं और वहां उनकी बड़ी गहरी पकड़ है। मैं जानना ये चाहता हूं कि भाई पिछले चुनाव में वो गहरी पकड़ कहाँ चली गई? क्या क्या वजह है कि राहुल गांधी वहां चुनाव हार गए? और उसके बाद आपने क्या किया है वहां कि हम अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर लें? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप बंगाल में बहुत तारीफ हो रही है कांग्रेस के काम की, कि कांग्रेस ने अपने को बैकफुट पे लेके एक तरह से ममता बनर्जी को जीतने में मदद की, लेकिन क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी ये करने की हालत में है? बहुत स्वाभाविक है, फॉर्मूला जोड़िएगा तो ये होगा कि क्या कांग्रेस पीछे चली जाए, अखिलेश यादव को जीत जाने दे, लेकिन फिर कांग्रेस करेगी क्या? अगर वो अलग अलग राज्यों में इसी तरह दूसरों को आगे बढ़ा के, तो क्या वो बैंड बाजा बजाने वाली पार्टी बनना चाहती है कि बारात दोस्तों के होकर हम बैंड बजाएंगे? ये प्रश्न है, इनके जवाब मुझे लगता है कि उस परिवार को भी देने हैं और कांग्रेस के बाकी लोगों को भी देने हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आपने कहा बैंड बैंड बजाने वाली भूमिका, लेकिन आज तो स्थिति है कि बैंड बजाने के लिए भी जितने लोगों की जरूरत होती है उतने भी कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देते। लेकिन आपने एक बात आलोक ये भी कही कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। दिक्कत यह है कि प्रियंका गांधी अभी तक बंद मुट्ठी की तरह है, लेकिन कांग्रेस का जो चुनाव का निशान है वो हाथ का पंजा है, यानी कि मुट्ठी तो खोलनी पड़ेगी और मुट्ठी अगर खुलेगी तो वो जादू चलेगा या नहीं चलेगा, ये कांग्रेस को सोचना है। शरद जी, एक आलोक ने जो बात कही थी जिसमें इस बात का जिक्र था कि मुकाबला आरएसएस बीजेपी से है और एक तरह से आरएसएस से है, एक इस तरह की भी बात कही जा रही कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार ये चाहती है कि कांग्रेस विपक्षी दल के तौर पर प्रमुखता में बनी रहे, क्योंकि अगर कांग्रेस बनी रहेगी तो जो
वोटों का जो बिखराव होने की संभावना है वो ज्यादा होगी और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। कम से कम जो मुस्लिम वोट हैं उनका बंटवारा थोड़ा बहुत अगर कांग्रेस के पक्ष में होने की संभावना बनी रहे तो बीजेपी को फायदा होगा, और इसीलिए वो चाहती है कि किसी न किसी तरह से वो समाजवादी पार्टी या बीएसपी विपक्ष के दल के तौर पर चर्चा में ना आए और कांग्रेस चर्चा में बनी रहे, इसलिए वो खुद इस तरह के मौके देती है। जैसे जो बसों का मामला था जब कोरोना के पहले चरण में जब बसों को रोका गया था तो एक तरह से सरकार ने मौका दिया था। ऐसे ही अनेक बार ये आरोप है या ये चर्चाएं हैं कि बीजेपी भी ये चाहती है कि कांग्रेस कहीं खड़ी होती हुई दिखाई दे। आपको क्या लगता है? नहीं, बीजेपी ये नहीं चाहती कांग्रेस खड़ी होती दिखाई जाए। बीजेपी चाहती है कि वो चर्चा में रहे, जिससे ऐसा दिखे कि उनकी लड़ाई कांग्रेस से हो। बाकी तो मतलब कांग्रेस की इतनी बत्ती बदतर हालत है तो बाकियों की उससे भी बदतर होगी, ये एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहती है। उससे ज्यादा बीजेपी का जो उद्देश्य रहता है वो राष्ट्रीय चुनाव में मोदी वर्सेस राहुल बनाने का रहता है। नैरेटिव ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि सारी सारी लड़ाई राहुल और मोदी के बीच में है, क्योंकि वो इतनी इनइक्वल फाइट है कि उसमें बड़ा इजी है मोदी का स्कोर कर लेना। आप देख लीजिए जितने मोदी भक्त लोग हैं, अगर आप उनसे कोई आर्गुमेंट दीजिए तो वो फौरन कहते हैं कि भाई तो क्या राहुल को वोट दे दें। उनका सीधे आर्गुमेंट ये होता है वो, अच्छा ये चीज बड़ी सूट करती है नरेंद्र मोदी को, कि जब वो टक्कर दिखाते हैं कि मोदी और राहुल के बीच में है तो बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है बीजेपी के लिए स्कोर करना राहुल के ऊपर, क्योंकि सही हो या गलत वो बहुत ज्यादा कंपैरिजन जो है चल नहीं पाता है। पार्टी के स्तर पे क्योंकि पार्टी इतनी बुरी स्थिति में है और उसके रिवाइवल का कोई एफर्ट नहीं किया जा रहा है अभी तक, जो सीरियस एफर्ट, कंसिस्टेंसी वाली बात जो आलोक ने कही, कंसिस्टेंट एफर्ट की बड़ी जरूरत है, लगातार बना रहना चाहिए उसका प्रयास। वो शायद इस वजह से भी नहीं है क्योंकि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब जीशान के जैसे कर्मठ वर्कर्स कितने मिलेंगे यहाँ पार्टी में, जो जान से लगे हुए हैं, जी जान से लगे हैं, जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि वहां पे कोई प्रयास ही नहीं किया गया। मेरा तो मानना यह है कि वो पता नहीं किस तरीके से तो पार्टी के लीडर्स बदलते रहे हैं। यूपी के कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो ऐसे बदलते रहते हैं, जैसे कि शक्ल अच्छी नहीं लगी बोले हटाओ, हटा दो इन्हें। अभी तक इतने सालों में मैं देख रहा हूँ, कई वर्षों से एक नेता थी जिसने काफी ग्राउंड पे काम किया था कांग्रेस को वापस पटरी पे लाने का, वो थी रीटा बहुगुणा जोशी। किस वक्त किसी दिन नाराजगी हो गई, उनको झटक दिया बुरी तरीके से, नतीजा वो चल दी। रीटा बहुगुणा जोशी अपनी कोई शौक से बीजेपी में नहीं गई, और बीजेपी वाले तो ढूंढते हैं ऐसे नेता को, वरना जितने आए फिर और किसको ढूंढ करके ले आए, निर्मल खत्री। अब निर्मल खत्री अच्छे भले आदमी हैं, काफी टाइम से बीमार हैं, वो किस जमाने में यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते थे 80s में, तो दौर खत्म हो गया। राजनीति में हर एक का दौर होता है, ये नहीं कि जिंदगी भर आप एक बार मिल गया आपको बिल्ला आप चलता रहेगा, किसकी किस बेसिस पे। और राहुल गांधी थे बनाने वाले, उसके बाद घूम फिर के लेकर के आए एक अननोन आदमी को, अजय कुमार लल्लू। अजय कुमार लल्लू शरद भाई नहीं, बीच में राज बब्बर जी भी थे। अरे हाँ हाँ, अरे मैं आई एम सॉरी, शुक्रिया याद दिलाने का। राज बब्बर आए, अब उन्होंने अपने फिल्मी अंदाज में काफी तमाशे किए, लेकिन क्या पार्टी को रीबिल्ड करने कोई एफर्ट था? बिल्कुल नहीं। वो सोचे कि सिर्फ मेरी प्रोफाइल से, मेरी अपनी प्रोफाइल से पार्टी जो है वापस जाग जाएगी। कोई सिंसियर या सीरियस एफर्ट नाम की चीज नहीं हुई रिवाइवल की। उसके बाद आ गए अजय कुमार लल्लू, जिनको कोई जानता ही नहीं, और अजय कुमार लल्लू अगेन भले आदमी, लेकिन क्या प्रॉब्लम है जब पार्टी में कोई जानता नहीं, उनको एक्नॉलेज नहीं करता लीडर, वो इससे जाहिर हो जाता है कि आपने बना तो दिया और सुना है प्रियंका गांधी नहीं बनाया, उनका क्या आलम। उनको उठा के योगी आदित्यनाथ ने फर्जी केस में उठा के बंद करा दिया। वो बसों के मामले को लेकर के उन्होंने कहा था कि हम इतनी बसें प्रोवाइड करेंगे, कह दिया नहीं आपने इतनी कहा था लेकिन इतनी नहीं ला पाए, आपने झूठ बोला। आपने सुना है कभी इस देश में झूठ बोलने पे, जहां सारा झूठ का ही हर आदमी हर नेता झूठ बोलता है, उसको उठा के बंद कर दिया गया।
चलिए बंद कर दिया, वो तो योगी आदित्यनाथ की वो थी, लेकिन कोई छुड़ाने वाला तो होता। कांग्रेस में बड़े 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 लीगल ल्यूमिनरीज हैं, धुरंधर लोग कहे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इतना नाम है, 10-10 लाख रुपए पर डे फीस लेते हैं, कोई नहीं छुड़वा पाए, उनकी बेल नहीं हुई, 3-4 महीने तक बेल नहीं हुई, बेचारे की जेल में पड़े रहे। अब पार्टी को क्या मैसेज जाता है कि ये नेता जो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस में तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो महीनों जेल में पड़ा रहेगा, उसकी बेल तक नहीं होगी। अब मैसेज ये जाता है कि जो आदमी अपनी बेल नहीं करा पा रहा है उसको लीडर कैसे मान लेगा, कोई कौन फॉलो करेगा। सही बात, सही बात है, बिल्कुल स्थितियां कांग्रेस में इस तरह की हैं कि चीजें संभालने की कोशिश नहीं हो रही है, चीजों को बिखेरने की कोशिश ज्यादा हो रही है। आपने रीता बहुगुणा जोशी का जिक्र किया, रीता बहुगुणा जोशी की कांग्रेस छोड़ने की जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने ये कई बार सार्वजनिक तौर पर ये कहा था कि मुझे 6 महीने से ज़्यादा कोशिश मैं कर रही हूँ कि राहुल गांधी से मेरी बात हो जाए, लेकिन मेरी बात तक नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में मैं इस पार्टी में रह के क्या करूँ। और बिल्कुल ऐसी स्थिति अभी हाल में एक और नेता अनु टंडन जो उन्नाव से सांसद भी रही, उनकी पार्टी छोड़ने की भी वजह ये थी कि प्रियंका गांधी के जो निजी सचिव थे वो उनके व्यवहार से आहत होकर उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। तो इस तरह की स्थिति तो बहुत ही खराब गोविंद, उनकी तो बहुत ही, जो प्रियंका गांधी के निजी सचिव हैं उनकी तो बहुत ही चर्चा, बहुत चर्चाएं हैं कि वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते हैं। अब इस तरीके के लोगों को पालेंगे, कोई उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, सिवाय एक चीज के, एरोगेंस। बिल्कुल, तो राजनीतिक दल कम से कम भारत जैसे देश में तो इस तरह के तरीके से राजनीति आप नहीं कर सकते जब तक आप लोगों के बीच में लोगों की नब्ज पकड़ने की बात ना करें। आप अहंकार दिखाकर और ऐसे व्यवहार दिखाकर तो जनता के बीच में जा ही नहीं सकते। जिशान, प्रियंका गांधी के आने की बात फिर से चर्चा में आई, पहले भी आई थी, और नए साल के अवसर पर प्रियंका गांधी की तरफ से कैलेंडर उत्तर प्रदेश में भेजा गया था, जिसका दावा तो अजय कुमार लल्लू ने ये किया था कि वो 2.5 लाख से ज़्यादा संख्या में गांव-गांव में वो पहुंचाया जाएगा। पता नहीं कितने वो कैलेंडर पहुंचे, लेकिन उन कैलेंडरों में प्रियंका गांधी की छवि को किसी, जो 1 जनवरी का कैलेंडर था उसमें वो खेतों में, धान के खेतों में पानी के बीच में नीली साड़ी पहनकर जाती हुई दिखाई दे रही है, किसी में वो काल भैरव के मंदिर में पूजा करती हुई दिखाई दे रही है, किसी में वो पीड़ितों, तमाम अलग अलग तरह के पीड़ितों, शोषितों के बीच उनके घरों में, उनके परिवारों में जाकर बात करती दिखाई दे रही हैं। इस तरह की अलग अलग भूमिकाओं में उनको उस कैलेंडर में दिखाने की कोशिश की गई थी। क्या आपको लगता है कि ये इस तरह की कैलेंडर राजनीति से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं जमीन में अपना स्थान बना सकती है, जमीन में कहीं अपना कोई प्रभाव दिखा सकती है? क्योंकि दावा तो आपकी पार्टी की तरफ से ये भी किया गया था, जो उत्तर प्रदेश की मौजूदा संगठन है प्रियंका गांधी का बनाया हुआ, कि उत्तर प्रदेश के लगभग 70,000 से ज्यादा गांवों में हमने अपना पार्टी का संगठन बना दिया है, स्थापित कर दिया है। लेकिन पंचायत चुनाव में आपकी स्थिति आपसे भी बेहतर रही, आपसे भी बदतर रही, आपसे ज्यादा, आप पार्टी आपसे ज्यादा स्थान लेके आई और आप वहां भी नहीं रहे। तो ये जो कैलेंडर राजनीति है, ये आपको लगता है क्या इससे उद्धार हो सकता है कांग्रेस का? नहीं नहीं गोविंद जी, कैलेंडर राजनीति आप इसे नहीं कहेंगे, वो एक जेस्चर था प्रियंका जी की तरफ से न्यू ईयर पे लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं तक, अपने लोगों तक एक कैलेंडर भेजना, के अपनी तरफ से एक, खुद की तरफ से एक सप्रेम भेंट थी। और मैं फिर आपसे कहता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारा ग्राफ 2012 में बढ़ा था, 17 में मैंने आपको रीजन बताया कि क्या नुकसान हो गया हमारा, लेकिन इन चुनाव में आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी, बहुत ही अच्छी सीटें लेके आएगी। और ऐसा नहीं है, हमारे संगठन का कार्य चल रहा है, लगातार चल रहा है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। प्रियंका जी आ जाएंगी तो उसको और धुरी मिलेगी। और प्रियंका जी देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में जो भी फैसले हो रहे हैं वो प्रियंका जी, क्योंकि यहाँ की इंचार्ज भी है यूपी की, तो प्रियंका जी ही वो सारे फैसले ले रही है जो भी उत्तर प्रदेश में फैसले हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रियंका जी अगर उत्तर प्रदेश का इंचार्ज है, वो सारे फैसले ले रही हैं, वो खुद यहाँ पे अगर आ जाएंगी, जो कि मुझे अभी नहीं पता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि, लेकिन आप लोग क्योंकि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अगर वो आ जाएंगी तो 100% उत्तर प्रदेश के संगठन को, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को और प्रदेश की जनता में एक मैसेज जाएगा, और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी फिर से आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी।
चलिए, बिल्कुल आपकी उम्मीद बहुत अच्छी उम्मीद है, लेकिन आपने कहा कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आएंगी, ये अभी एक हाइपोथेटिकल सवाल है। आलोक, आपको क्या लगता है, संक्षेप में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर अपनी पुनर्स्थापना करना चाहती है तो क्या चीजें करने की जरूरत है कांग्रेस को? देखिए, करने की जरूरत तो सभी पार्टियों को एक ही होती है कि आपको जमीन पे अपनी प्रेजेंस बढ़ानी होगी, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर भरोसा जगाना होगा। उनके अंदर जैसे ही उत्साह जाग उठता है ना, उन्हें लगता है कि हम कहीं लड़ाई में हैं, तो फिर बाकी सब अमला जुटाना, व्यवस्था करना उनका काम होता है। पॉलिटिकल एक वर्कर एक विचित्र किस्म का प्राणी होता है, और जैसे ही उनमें आपको जोश दिखता है तो उसके आस पड़ोस दूसरे लोग जुटने शुरू होते हैं। तमाम लोग जो किसी वजह से मायूस होकर दूसरी पार्टियों में भाग गए होते हैं वो लौट के आ जाते हैं। और यूपी का तो आपको पता ही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ियों में 4 झंडे रहते हैं, जब जैसा मौसम बिल्कुल देखा वो झंडा निकाला बाहर लगा लिया। तो उसमें अगर कांग्रेस के झंडे ज्यादा दिखने लगेंगे तो शहर में माहौल अपने आप बदल जाएगा, लेकिन क्या ये हो पाएगा, ये बड़ा विकट सवाल है। जो आपने अभी कहा कि साहब आम आदमी पार्टी भी अब कांग्रेस से मजबूत दिख रही है, तो कांग्रेस ने अपनी जमीन धीरे 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 करके कांग्रेस के जो बेस होता था वो गंवाया है। वो कैसे, क्या फॉर्मूला होगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई गणित जोड़ के, फलानी जात को जोड़ के, फलाने धर्म को जोड़ के वो कर पाएंगे। उनको कोई एक मैजिक फॉर्मूला लाना होगा, एक जो बड़ा जादू किसी किसी चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि एक एक ऐसा चेहरा आता है जिसके पीछे लोग जादू की तरह आते हैं। मुझे लगता है प्रियंका गांधी में वो दम था, लेकिन उनको भी जितने समय इन्होंने बैक बेंच पर, बैक बर्नर पर रखा है, बिल्कुल उसके बाद अब वो जादू काम कर पाएगा, ये इसमें मुझे बहुत बिल्कुल संदेह। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल सही सही कह रहे बात हैं आलोक है। जी, जो और करिश्मा, हाँ वो इंदिरा गांधी वाला करिश्मा दिखता था इंदिरा गांधी प्रियंका में, जिसका कि समय पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया। यही अब ये दुर्भाग्य है कि बिल्कुल आज हमें ताराशाही झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और रही बात वही कि जनता को समझना जब तक कांग्रेस के नेताओं को नहीं आएगा, तब तक शायद कांग्रेस चुनाव में तो दूर जमीन में भी कहीं दिखाई नहीं देगी। शरद जी, आपको याद होगा राजीव गांधी जब, अब उनका जो दुखद निधन हुआ था उसके थोड़ा पहले, जब वो लखनऊ से दिल्ली के लिए लौट रहे थे, हम लोग टाइम्स कर्मचारी सभा के किसी हाँ वजह से उनसे मिलने गए थे, तब उन्होंने एक बात कही थी कि विपक्ष में रहते हुए मुझे पहली बार पता लगा कि हिंदुस्तान कैसा है। शायद हाँ कांग्रेस बिल्कुल के याद नेताओं है। को आज आज इसी बात की जरूरत है कि उनको ये, जब तक वो ये ना समझ पाए कांग्रेस के बड़े नेता कि हिंदुस्तान कैसा है, असली हिंदुस्तान कैसा है, वो कभी पिकनिक में किसी पीड़ित या दलित के घर जाएं, परेशान आदमी के घर जाएं, उसमें भी 50 तरह की व्यवस्थाओं और सुरक्षा के घेरे में जाएं, तो उससे कुछ कांग्रेस का उद्धार नहीं होने वाला। आलोक, आपने भी कहा कि जब तक वो कोई मैजिक फार्मूला नहीं लाएंगे, और मैजिक फार्मूला मुझे लगता है कि यही होगा कि कांग्रेस को एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अपनी जरूरत जनता को महसूस करानी पड़ेगी। जनता को कांग्रेस समझे तभी जनता कांग्रेस को समझ पाएगी। इसी बात के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। जिशान, आपका बहुत धन्यवाद, आपकी बहुत बहुत उम्मीदें धन्यवाद। कायम रहे, आपकी उम्मीदें रंग लाएं। आलोक जी, आपका भी धन्यवाद। शरद जी, आपका भी धन्यवाद। और अपने दर्शकों से हम आह्वान करना चाहते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम को, आपकी बात को, द फ्री प्रेस के इस कार्यक्रम को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी राय, अपने विचार, अपनी टिप्पणियों से हमको लगातार अवगत कराते रहें, ताकि एक निष्पक्ष पत्रकारिता का जो एक मिशन हम द फ्री प्रेस के जरिए शुरू कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो मिशन आगे बढ़े, सफल हो। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।